सबसे पहले ये कुर्ती ब्लू और व्हाइट इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ओवरऑल लुक स्लीव भी काफी खासी अच्छी खासी है। नेक्स्ट भी है एक वाइन कलर की कुर्ती, क्या बोलेंगे इसको कलर को। हेलो एवरीवन, आई एम नश्री, वेलकम टू माय चैनल नश्री व्लॉग। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुर्तियों के ऊपर होने वाली है, लाइक कुर्ती बोल लो या कुर्ता बोल लो। आप ऑफिस गोइंग गर्ल है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है तो इस तरह की कुर्ती आप जरूर, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप जरूर से परचेज करना। जिस तरह से मुझे सुटेबल लगती है, जिस तरह की मुझे कुर्तियां चाहिए थी, आई थिंक आपको भी पसंद आएंगी। आप प्राइस देखोगे और प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी देखोगे ना तो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो मैंने 6 कुर्तियां मंगाई है जो कि अंडर 200 रुपीज है। कोई भी कुर्ती आपको 200 से ऊपर मिलने ही वाली नहीं है। 183 की भी एक कुर्ती है, 199 की भी कुर्ती है, मतलब 198 इतनी की कुर्तियां, मतलब 200 से ऊपर की कोई कुर्ती होने वाली ही नहीं है। तो आप, मैं भी एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे आई है। लेट्स सी, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो मैंने मंगाया था वो असल में आया है क्या नहीं है। इस तरह के 3 पैकेट मुझे रिसीव हुए हैं और इसमें दो दो कुर्तियां हैं, मतलब दो इसमें और दो इसमें। तो मैं एक एक कुर्ती आपके साथ में अभी ओपन करके देखूंगी कि इसमें किस तरह की कुर्तियां हैं। प्राइस भी सबका मेंशन कर दूंगी कि कौन सी कुर्ती कितने की है। सबसे पहले ये कुर्ती ब्लू और व्हाइट कलर की, इनका जो फैब्रिक आने वाला है ना वो सभी का 6 के 6 कुर्तियों का क्रेप जो फैब्रिक होता है ना उस तरह का इसका फैब्रिक आने वाला है। ट्राई ऑन में भी लगा दूंगी, आप देख लेना कि ये पहनने के बाद, ट्राई ऑन करने के बाद इसका लुक किस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसकी स्लीव की बात करूं तो 3/4 स्लीव है इसकी, मतलब हाफ ही है, ज्यादा फुल नहीं है। और लेंथ भी काफी है, स्ट्रेट कुर्ती है, काफी लंबी, ये देखो आप, मतलब काफी लंबी कुर्ती है। बाकी तो आपको ट्राई ऑन में दिख ही रहा होगा। मैं सही बताऊं ना, मुझे इस तरह का कपड़ा जो है ना, इस तरह की कुर्ती इतनी ज्यादा पर्सनली बताऊं बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि इसमें ना झंझट नहीं होती प्रेस करने की, ये मतलब कितना भी आप धोके से डाल दो इस पे प्रेस करने की झंझट नहीं होती और आराम से, मतलब ऐसी रहती है जैसे थोड़े से वो होता है ना रियोन का कपड़ा होता है, तो इस तरह का कुछ एक लुक देती है ये। मैं जल्दी से इसको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है जी। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब पीछे से भी आप देखो इसकी, मतलब लेंथ काफी दे रखी है, ऐसी नहीं है। बाकी तो आप ट्राई ऑन में देखना, ट्राई ऑन में लगाते हैं ना वो उसका अलग एंगल होता है तो वो पूरी वीडियो दिख जाती है, पूरी वीडियो आप ट्राई ऑन में देखो इसकी। और वो लुक तो भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं लग रहा पहनने के बाद आपने कुछ, मतलब बहुत ज्यादा हैवी कुछ पहनना का, गर्मी से लगती है ना बिल्कुल भी, इस कपड़े में बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। उसका नेक देखो आप, ज्यादा छोटा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब इस तरह मुझे सही लगते हैं कि ज्यादा अगर बड़ा होता है ना तो मुझे बड़े गले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह का पहनने के बाद इसका लुक आ रहा है तो मुझे तो ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है प्राइस अकॉर्डिंग। और सेकंड दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये पहले तो आप इसका कलर देखो, कलर कितना ज्यादा प्यारा है, मतलब जब मैंने इसको पहन के देखा था ना उसमें मुझे सबसे प्यारी कुर्ती ये लगी थी, क्योंकि इतनी कलरफुल कुर्ती है ना, इनहेंस होकर आ रहा था कलर। पहले आप इसकी लेंथ देखो, और ये भी 3/4 स्लीव है इसकी भी, फैब्रिक भी सेम है, ठीक है जी। स्ट्रेट कुर्ती है ये, कुर्ती कुर्ता जो भी बोल लो, अगर पैंट ना हो तो कुर्ती बन जाती है, पैंट लगा दो तो कुर्ता सेट बन जाता है। मैंने, आपने देखा होगा मैंने इसको जो पहना हुआ है वो मैंने पहना हुआ है प्लाजो के साथ में। आप इसको जीन्स के भी साथ पहन सकते हो, लेगिन के साथ भी पहन सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहना इस तरह से भी पहन सकते हो। क्योंकि मुझे ना इस तरह के कुर्ते जो है ना इस तरह के प्लाजो के साथ ही ज्यादा पसंद आते, तो मैंने ये चिकनकारी प्लाजो के साथ इसको वियर किया हुआ है, ठीक है। इसका भी जल्दी से मैं पहन के आती हूँ और इसका लुक दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आने वाला है। मतलब मैं नहीं बोल रही, कुछ आप खुद देखो, खुद देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब ये कुर्ती इतनी ज्यादा, और ऐसी भी नहीं, स्मॉल साइज मैंने मंगाया था, ठीक है। इसमें स्मॉल, मैंने सारी कुर्तियों का मेरे स्मॉल साइज मैंने मंगाया था, बाकी ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा बिल्कुल टाइट हो, टाइट बिल्कुल भी नहीं है। स्लीव से भी बिल्कुल टाइट नहीं है, इधर से थोड़ा सा टाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, यहाँ से भी नहीं है और यहाँ से भी, मतलब कहीं से भी ये टाइट नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह से। और इसका तो आप लुक ही देखो, मतलब कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है कुर्ती, इसमें इतने ज्यादा कलर आ रहे हैं। आप कोई भी लेगिन इसके साथ वियर कर सकते हो, जीन्स भी वियर कर सकते हो। बाकी तो मुझे सच में ये सबसे अच्छी कुर्ती लगी थी मुझे, अगर आप, सच में बता रही हूँ, मैं ऑफिस गोइंग गर्ल है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आप, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप मंगाओ मंगाओ मंगाओ, जरूर से मंगाओ। जल्दी से नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो जी नेक्स्ट है ये वाइन कलर की कुर्तियां, क्योंकि 2 कुर्तियां हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बूंदियों वाली कुर्तियां। मीशो कभी कभी इतना दिल खुश कर देता है ना,
इतने अच्छे अच्छे से कभी कभी इतने सामान भेजते थे। तो अभी तक मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस मीशो का, मेरा कुछ भी अभी तक स्पैम नहीं हुआ है किसी भी तरह का मीशो से कि उन्होंने मुझे कुछ अलग भेज दिया हो। बिल्कुल सेम टू सेम भेजते हैं, भले थोड़े क्वालिटी अप डाउन हो जाती है बट सामान वही आता है। वाइन कलर की प्रिंटेड कुर्ती है, स्लीव सेम है इसकी, ठीक है। स्लीव वही जो मैंने बोली 3/4 स्लीव, ठीक है। काफी स्ट्रेट कुर्ती है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग और जी भाई लुक वाइज तो औसम ही औसम है सारी कुर्तियां। मतलब मैं इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ ना मीशो से, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी कुर्तियां मुझे भेजी हैं। मतलब आप खुद देखो, खुद डिसाइड करो ये कुर्ती इतनी ज्यादा सुंदर है क्या नहीं है। इसका पहले आप पास से जो है ना इसका वो देखो, प्रिंट ऐसा प्रिंट है कि निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप वॉश करो और ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये इस तरह की कुर्तियां भाई आप ट्राई ऑन में देखो, सबसे पहले तो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, पहनने के बाद इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और इसको जो है ना मैंने व्हाइट प्लाजो के साथ वेयर किया था, और आप व्हाइट अगर इस तरह की मतलब या तो जयपुरी या फिर आप नागरा इसके साथ डालते हो तो बहुत ज्यादा इनहेंस होके आएगी ये कुर्ती और ज्यादा। तो आप बाकी देखो इसका लुक कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और लुक स्लीव भी काफी खासी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्वेटिंग सी हो रही हो, क्योंकि मैंने ऐसी बंद कर रखी है। ऐसी बंद करके मैं वीडियो शूट करती हूँ और कम से कम 25 मिनट हो चुके हैं ऐसे बंद करे हुए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह का आप देखो कोई भी पसीना वसीना भी नहीं आ रहा है भाई। हाईली रिकमेंडेड, और इसमें थम्स अप दूंगी मैं इसको, इस कुर्ती को, सभी कुर्तियों को। बहुत बाहर माओ चिल्ला रही है, मतलब कलर भी ना इतना ज्यादा खिल के आ रहा है ना इन कुर्तियों पे, सभी पे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी आप इसके साथ वॉच या कुछ बैंगल्स ट्राई करोगे ना तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। चलो जी जल्दी से नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट भी है एक वाइन कलर की कुर्ती, बट इसका प्रिंट अलग है। इसका प्रिंट सेम जो मैंने फर्स्ट में आपको कुर्ती दिखाई थी उस तरह का है, ठीक है। ओपन करके दिखाती हूँ मैं, और इनका सभी का फैब्रिक में क्या ही मेंशन करूँ, सभी का सेम है थ्रेड। तो इस तरह की है ये भी स्लीव 3/4 स्लीव है, ठीक है जी। स्ट्रेट कुर्ती है, और पहन के दिखाती हूँ उसके बाद रिव्यू दूंगी। मतलब आप खुद देखो, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ आप खुद देखो गाइस कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा नहीं कि आपको अगर ये लग रहा हो कि पहनने के बाद, कितने लोग जो है ना ये क्वेश्चन बहुत होते हैं कि आपके ऊपर अच्छी लग रही है, हम मंगाएंगे तो ऐसा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है गाइस, अच्छा लगता है, सब चीज आप ट्राई तो करो, सबके ऊपर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, किसी और के ऊपर अच्छा लगेगा, वो चीज आप नोटिस करते हो ना। यही चीज मुझे दूसरों को मैं सोचती थी, बट जब मैंने अपने ऊपर ट्राई किया तो मुझे भाई मैं अपने ऊपर मुझे काफी अच्छी लगती हैं चीजें, तो मैं ये सब चीजें नहीं सोचती कि हाँ इसके ऊपर अच्छा लग रहा है कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है जी। बाकी आप देखो इसको भी, कुर्ती को गौर से, कुर्ती को मैं वाइन वाइट, वाह, इसको भी मैंने वाइट प्लाजो के साथ पहन के देखा था। सेम आप रख सकते हो, मुझे जो अच्छी लगती है ना वो जो ना कोल्हापुरी जो चप्पल होती है ना उस तरह की बड़ी अच्छी लगती है इन कुर्तियों पे, तो मैं वो ज्यादा पहनती हूँ मैं। तो बाकी आप देख ही लो, क्योंकि इतने से फ्रेम में मैं आपको क्या है क्या दिखाऊं। कुर्ती पूरी ट्राई ऑन में देखो आप कि किस तरह का लुक आ रहा है इसका, ब्लैक और गोल्डन कलर की, थोड़ा सा ये भी कॉफी और ये क्या बोलेंगे इसको कलर को, यार मतलब इतने सॉफ्ट क्यों हो सकती हैं इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियां। मैं सिलवाऊंगी नहीं, कपड़े नहीं सिलवाने मुझे टेलरों से, अब बस खत्म हो गया मेरा। ये भी स्लीव 3/4 स्लीव है इसकी भी, स्ट्रेट कुर्ती है, काफी लॉन्ग कुर्ती है, ठीक है। लेंथ इनकी काफी अच्छी खासी, हाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी देख लेना कि आपकी लेंथ क्या आने वाली है कुर्ती की। तो जल्दी से इसको भी ट्राई ऑन करके आती हूँ मैं। कॉफी कितनी प्यारी लग रही है, अभी तक मेरे पास इस तरह की एक भी कुर्ती नहीं है, मतलब इस तरह की एक भी कुर्ती नहीं, इसमें ना कलर और ज्यादा इनहेंस हो पा रहा है। इतनी प्यारी लग रही है ना ये पहनने के बाद भी, एकदम सिंपल सी कुर्ती है और इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। मुझे ना बचपन से ना इस तरह के छापे की जो कुर्ती होती थी, मतलब जिन पे इस तरह का प्रिंट होता था ना, वो बहुत पसंद था। बचपन से ही मुझे इस तरह की कुर्तियां बहुत पसंद आती थी, तो मैं ना अधिकतर बचपन से ऐसी कुर्तियां पहनती हूँ, मतलब प्लेन जो है ना वो कमी से पहनती हूँ, इस तरह की पहनती हूँ ज्यादा। मैं क्या है मेरे पास नो वर्ड्स भाई, पर्टेड है ये कुर्ती, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी है, और थोड़ी सी ना लूज भी है मेरे, ये स्मॉल साइज मैंने मंगाया था बट थोड़ी सी लूज है, बट ओके ओके, क्योंकि मुझे लूज कुर्तियां पसंद आती हैं थोड़ी। थम्स अप। तो लास्ट ऑफ द लिस्ट है ये मेहरून कलर की एक कुर्ती, प्रिंटेड कुर्ती, इसको भी ट्राई ऑन करते हैं। और मैं सच में लिटरली गाइस बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि 6 कुर्तियों को एक साथ पहनना, फिर उनको चेंज करना, फिर नेक्स्ट पहनना, थक जाता है इंसान, क्योंकि पूरा दिन काम करता है ना। क्लिनिक से फ्री होने के बाद अब वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, इसे ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ, ट्राई ऑन करने के बाद लुक देखना फिर डिसाइड करना, ठीक है जी।
तो ये देखो, ये एक मेहरून कलर की प्रिंटेड कुर्ती है। पहले आप इसका पास से प्रिंट देखो, स्लीव सेम है, ठीक है, जितनी भी लेंथ आनी थी ये देखो इतनी लेंथ है इसकी, स्ट्रेट कुर्ती है, ठीक है। और इसको भी जैसे चाहो वैसे वियर कर सकते हो। मैंने इसी वीडियो में पहली बार पहन के दिखाया, कोई वीडियो में ट्राई ऑन करके दिखाया, वरना तो मैं बाद में लगा देती हूँ ट्राई ऑन, तो आप देख लेना। तो मैंने आपको लाइव भी पहन के दिखा दिया कि इसका कैसा आने वाला है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। सभी कुर्तियों के लिए मैं थम्स अप दूंगी। वीडियो को एंड करते हुए हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको 100% बाय करो। और हाँ, बता जाते जाते ये भी बता दूंगी, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप की नहीं थी, ताकि लोगों को आपको लगे कि वीडियो के स्पॉन्सरशिप हो शायद इसलिए इतना बोल रही है। नहीं, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, आपके साथ शेयर करा। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप एक बार मंगाएं और पहन कर ट्राई ऑन करें। नहीं पसंद आता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ पहनने के बाद लड़कियों को रिटर्न करने का तो मौका मतलब मन करता ही नहीं है। तो बस यही था गाइज आज की इस वीडियो में। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोई ना कोई सी तो कुर्ती पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पता है लड़कियों की सोचना बड़ी थोड़ी सी ऊंची होती है, उन्हें जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, खास करके मेरी तरह। बट मुझे आजकल मीशो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंड कर रहा है तो मुझे पसंद आ जाती है। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुशियां बांटिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।